नमस्कार, आज हमारे साथ हैं महाराजगंज लोकसभा चुनाव क्षेत्र से बसपा उम्मीदवार अनुरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव। साधु यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कभी बिहार के सुपर सीएम कहे जाते थे, आज वो बसपा से उम्मीदवार हैं। आज हम उनसे बात कर रहे हैं। नमस्कार साधु जी। साधु जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी प्राथमिकता क्या है इस क्षेत्र के लिए? देखिए, हम विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। हमारा जो पुराना सेगमेंट था गोपालगंज, हमने काफ़ी विकास का काम किया है और विकास ही मेरा एजेंडा है कि महाराजगंज के लोगों को, जब हम महाराजगंज में प्रवेश किया है, महाराजगंज के लोगों ने पूछा, हमने साफ तौर पर कहा कि हमारा विकास एजेंडा है। यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में अनेकों प्रकार का जो समस्या है, और पोषण का भी समस्या है, पानी का भी समस्या है, तो ये बहुत सारा चीज़ है जो हम इसको लेकर के चल रहे हैं। सवाल है साधु जी कि आप जो आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र को छोड़ के इस क्षेत्र में आने का क्या कारण हो सकता है? रिजर्व है 2009 से। गोपालगंज और महाराजगंज दोनों हमारा एकदम पड़ोसी हैं, हम लोग बॉर्डर पर हैं। और बसपा से उम्मीदवारी का क्या मतलब है? बसपा पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। वो तो सही बात है, बसपा बहुजन समाज पार्टी यूपी की बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। जी जी जी। और राष्ट्रीय पार्टी ने हमें उम्मीदवार दिया है। हम जानना चाहेंगे कि आप राजद से, चूंकि आप राजद के कभी सर्वे सर्वा हुआ करते थे, राजद से हमारा 2009 से जी अलग है, 2009 से अलग है। अभी हम राजद में फिलहाल जो है थे नहीं कि राजद से आए, हम तो कांग्रेस में थे जी, और कांग्रेस के बाद हम बीएसपी का उम्मीदवार हैं। राजद के प्रति, मतलब लालू परिवार के, यहाँ का सबसे बड़ा सियासी परिवार है, बिहार का सियासी परिवार है लालू प्रसाद जी के परिवार, अभी आपको उनको क्या लगता है, उनकी अनुपस्थिति में पार्टी कैसी चल रही है? ये तो हम नहीं ना बता सकते, हम तो बीएसपी की बात कर सकते हैं, बहुजन की बात कर सकते हैं, लेकिन हम उस पार्टी की बात तो हम नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे कि अभी नीरज कुमार जी का एक MLC नीरज कुमार जी का एक टेप वायरल हुआ था, उन्होंने टेप वायरल किया था लालू जी का, वो जेल से उनका था, हॉस्पिटल से, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि आज भी क्या आप मानते हैं कि उनका वजूद उसी तरह है, या फिर कुछ घटा है, या फिर ये साजिश है, या कुछ तरह से क्या आपको लगता है? नहीं, हमने वो जो उनका जो नाम आया था जी पाठक जी का जी, कौन पाठक जी? नहीं, अभिनंदन को धमका रहे थे जो तेज प्रताप जी के नाम। नहीं, वो जो पार्टी का जो आया था ना, वो जदयू के कौन थे? नीरज कुमार जी। नहीं, नीरज कुमार जी नहीं, अरे वो एक पाठक जी है ना जदयू के अंदर, क्या नाम है पाठक जी का? चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है जी पाठक जी का? अरे बक्सर वाले, क्या नाम है बक्सर वाले जो अभी डिजाइन जो करते हैं पार्टी का, याद नहीं पड़ रहा है किसी को? उसको याद होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं इस विषय में। उसमें उन्होंने, लालू जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये हमारे परिवार की आंतरिक जो कलह है, ये आपका नाम उन्होंने उल्लेख किया उस टेप में, आपका भी नाम है, कि हमारे परिवार के कलह के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है, सुभाष जी और साधु यादव का हाथ है, तो इस विषय में आप क्या करते हैं, क्योंकि उस परिवार से आप काफी दूर हैं। का नाम था जी पाठक जी का, बक्सर वाले जो डिजाइन करते हैं, जदयू का जो उपाध्यक्ष बने हैं, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर।